अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री। वाजपेयी को भारत के सबसे सम्मानित प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें विपक्ष से भी प्रशंसा मिलती है। वो भारत के शीर्ष प्रधानमंत्रियों में उच्च स्थान पर हैं और उन्हें भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने 2014 में घोषणा की कि वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2015 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2018 में उम्र संबंधी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय 1942 तक 16 साल की उम्र में सदस्य बन गए। हालांकि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें ये लिखित बयान देने के बाद रिहा कर दिया गया कि भीड़ का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर में उग्रवादी घटनाओं में भाग नहीं लिया था। अपने पूरे जीवन काल में, जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शामिल है, वाजपेयी ने इस आरोप को गलत ठहराया है। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी को झूठी अफवाह बताया गया। कृपया यह महान भाषण सुने। अपने मेजबानों से मैंने कहा, मैं गजनी जाना चाहता हूँ, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5-स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता, मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पड़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे, मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है, मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है। विश्वास किस में है ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हमारे, इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए। तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे, मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है।
कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है, ही वॉज वन ऑफ अवर फोर फादर। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है, एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि राम, श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं, उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है। मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है। कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है, थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है।